हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु चौहान एक बार फिर से आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये भी एक चटनी है। मैं आपको कई बार चटनी की रेसिपी बता चुकी हूँ, आज मैं फिर से एक चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर खाने में चटनी ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आता, और आज आपके लिए फिर से एक इंस्टेंट चटनी लेके आई हूँ जो कि फटाफट से तैयार होने वाली है। फ्रेंड्स, इस चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम परमल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम कच्चे परमल की चटनी बनाने वाले हैं आज। परमल लिया, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। लहसुन लेंगे, हरी मिर्च लेंगे, यह परमल आप देख सकते हैं, और नींबू लेंगे। तो सबसे पहले हम मिक्सर जार लेंगे, उसमें हरा धनिया, बहुत सारा हरा धनिया डाल देंगे करें। इसके बाद हम लहसुन डाल देंगे, 6-7 कली हमें लहसुन के लिए है। आपको कम ज़्यादा जैसा पसंद हो डाल सकते हैं। तीखी हरी मिर्च लेना है, 4-5 कली लेना है, 4-5 हरी मिर्च लेंगे हम। अच्छी क्वांटिटी में हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे, तभी जाके चटनी टेस्टी बनेगी। ये हमने सब डाल दिया है। इसके बाद हम परमल ऐड करेंगे इसमें। ये हमने परमल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। फ्रेंड्स, आप ताज़े परमल ने पके हुए नहीं होना चाहिए, जो अंदर से हरे हो, इसमें कम बीजे हों, चाहे तो आप बीजे निकाल सकते हैं इसमें। ये हमने ऐड कर दिया। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें नींबू का रस निचोड़ेंगे। नींबू से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एक बार आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये हमने नींबू, आधा नींबू का रस हम पूरा डाल देंगे इसमें। इसके बाद हम मिक्सर का ढक्कन लगा के इसको पीस लेंगे। फ्रेंड्स, हमने पीस लिया और हमारी चटनी बिल्कुल फटाफट से तैयार हो गई है। एक बार इस चटनी को ज़रूर बना के देखिए। और हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं, बाउल में हमने निकाल लिया है, और हमारी खाने के लिए चटनी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, एक बार इस चटनी को ज़रूर बना के देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।